तो इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर से ज़्यादा अब मूवी पे फोकस करने वाले हैं कि मूवी का टोटल बजट कितना था और उसने लॉस कितने किए हैं, बिकॉज कि इसे एक खिताब मिला लोएस्ट क्रॉसिंग फिल्म इन DCU। तो मूवी को रिलीज़ हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, रिलीज डेट था 18 अगस्त, प्रोडक्शन कॉस्ट था $104 मिलियन, ग्रोसिंग हुआ है $129 मिलियन का। अब देखो ये चीज़ आया कैसे, सबसे पहले तो $58 मिलियन अदर से आया है, जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं, और $72.5 मिलियन आया है USA एंड कनाडा से। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो हम लोग को $128 मिलियन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स बोलते हैं $129 पॉइंट कुछ मिलियन। तो मूवी का बजट इस प्रकार कैसे आया, सबसे पहले मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा रिलेट करने करवाने की कोशिश की है ऑडियंस से और जितने भी फैमिलीज है, बिकॉज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और एक स्ट्रगल करता हुआ बच्चा हर एक फैमिली में होता है जो अपने परिवार का भला चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। तो सिंपल कह सकते हैं इसको पीटर पार्कर से यानी स्पाइडरमैन से रिलेट करने का कोशिश किया गया, बिकॉज की उसकी स्टोरी में भी बहुत ज़्यादा ही ट्रेजेडी आई थी, बट आगे जाकर ही मतलब पूरी चीज़ पलट जाती है मूवी के आगे। तो इस मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो इस मूवी में मेन कैरेक्टर प्योर प्ले प्ले किया है वो है स्कैरब, बिकॉज वो एक एलियन टेक्नोलॉजी है, उसी से ब्लू बीटल सूट फॉर्म हुआ है। फोकस करते हैं इसमें लीड रोल के जो है हाइमी, जो एक नॉर्मल सा स्ट्रगल करता हुआ मीन्स लड़का रहता है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने फैमिली के पास आता है, बस उसे पता चलता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देन वो उसका एक ड्रीम बन जाता है कि उसे कुछ बड़ा करना है। देन उसके बाद वो जॉब जाता है, फिर जॉब में कुछ ट्रेजेडी होने के बाद वो जॉब छोड़ देता है, मीन्स जॉब छूट जाता है, देन उसको स्कैरप मिलता है। देन सूट स्कैरप में एक टाइप की ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी है कि अगर उससे बॉडी, ह्यूमन बॉडी अगर अटैच हो जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। विलेन है विक्टोरिया, जिसको उस टेक्नोलॉजी से एक ऐसा सूट बनाना है जो बिल्कुल मैक्स स्टील की तरह दिखता है। मैक्स स्टील अगर तुमने नहीं देखी तो देख लेना, बिकॉज की सूट बहुत ज़्यादा उसे रिलेट कर रहा था, विलेन वाला सूट। कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही बेसिक किया गया है, इंट्रो भी बहुत बेसिक किया गया था इसमें। और कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सिंपल बताऊँ, ब्लीडिंग के चार्मर से बहुत ज़्यादा ही मिल रहा था उसका फेस, एंड बाकी सब तो ठीक था यार, ब्लू ब्लूइश बहुत अच्छा लगा देखने में, बट पता नहीं ये वाटर टाइप का लग रहा था देखने में, ये सूट वाटर टाइप के फिल्म पे ज़्यादा सूट मतलब सूट करता है, बट कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, सूट को अपग्रेड किया जाएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। देन मूवी भी ट्रैजिक एंडिंग पे एंड होती है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो विलन होता है उसका दिमाग पलट दिया जाता है ताकि वो अपने पास की चीज़ें भूल जाए, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुर्म उठाया जाता है विक्टोरिया के कारण, एंड देन मूवी उसी को मारते हुए एंड हो जाती है। बट एक मीन्स मिस्ट्री टाइप की एंड होती है कि जो हीरो है हमारा हाइमी, उसके जो गर्लफ्रेंड उसके पापा जिंदा रहते हैं, उनका भी एक रोल प्ले है जो कि मूवी में हिंट के तौर पर दिखाया गया है। तो मूवी को कह सकते हैं, मूवी देखो मूवी तो अच्छी है यार, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मूवी ख़राब है, ठीक है मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे देखने में, बट सिंपल बात है लोग इसमें ज़्यादा इंप्रेशन मतलब क्यों नहीं बैठा पाए इससे ना, मतलब सही बता ब्लू बीटल से ज़्यादा इसके फैंस बच्चे होंगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ के फैन ज़्यादा बच्चे हैं। व्हाट आर योर एक्टिंग स्किल्स, ओ माय गॉड। देखो मैं जज नहीं कर रहा हूँ उनको, ठीक है, ही इज़ गुड एट डांस एंड मार्शल आर्ट्स, बट उनको यहाँ पे नहीं घुसाना चाहिए था। तो ब्लू बीटल के बारे में बात करें तो हाइमी का कुछ टाइप का इसी टाइप का ट्रैजिक एंडिंग होता है उस मूवी का, जो मेन लीड है, और इसी टाइप से मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी लोएस्ट ग्रोसिंग में क्यों गई है, देखो पहला बात इसके हो सकता है कैरेक्टर डिज़ाइन या सूट डिज़ाइन से बोल सकते हैं, या इसके मूवी की लेंथ छोटी की गई है, स्टोरी ज़्यादा दमदार नहीं दिखाया गया है, बहुत लोग के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, बट सिंपल बात है कि मूवी किसी को अच्छी लगती है और नहीं लगती है तो मूवी पर डिपेंड करता है कि उसका इंप्रेशन किस टाइप से आएगा, और फैन बेस्ड है स्टोरी है, न्यू चीज़ इसमें लाया गया है, और ऐसा जरूरी है फर्स्ट पार्ट खराब किया तो सेकेंड पार्ट भी खराब जाए, बट सेकेंड पार्ट का वेट करते हैं बिकॉज की एंडिंग तो हुई है पूरी तरीके से नहीं, सो देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ है जिससे बहुत लोग रिलेट करते हैं, जैसे कि आप आयरन मैन स्पाइडरमैन की मूवी देखते हो, जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो आप खुद ही समझ रहे होगे कि आप स्पाइडरमैन हो, अंदर से फील आने लगती है, बट मैंने जब भी मूवी को देखा था तो मुझे ब्लू बीटल वाली फीलिंग नहीं आई थी, पता नहीं क्यों, बट सच बात तो यही है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर छोटी सी एक्सप्लेनेशन और इस वीडियो के बारे में मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टेक केयर एंड बाय, और अपने सुंदर हाथों से कमेंट भी कर देना।